सपने देखने के लिए जनता आशीर्वाद दे रही, समर्थन दे रही और आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी मिलेगा। गांव-गांव में हमारी टीम और कल देख सकते हैं, हर बूथ से हमारे कार्यकर्ता आए, पूरे मोर्चा प्रकोष्ठ पूरा संगठन। आज भी अगर चुनाव होता है तो रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और वो जमाने निकल गए जो बरसों तक गरीबों के मकान नहीं बनाया, उजला योजना नहीं दी, पंजीयन नहीं कराया, इलाज नहीं कराया, बिजली नहीं दी, सड़कें नहीं बनवाई, वो जमाने अब निकल गए। अब तो जनता विकास चाहती है, सबका साथ चाहती है, सबका विकास चाहती है, सबका कल्याण चाहती है और इसलिए पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद समर्थन मिला और कल का परिणाम कल का आप देख सकते हैं, जनसैलाब अद्भुत था, कार्यकर्ताओं में उत्साह अद्भुत, संकल्प लेकर कार्यकर्ता यहाँ से निकले और रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सर आप जो चुनाव आयोग जो है चुनाव आयोग जिनको जिताने की जिन अधिकारी कर्मचारियों को जिताने की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग ने परीक्षा ली, 550 में 350 जो है फेल हो गए। कांग्रेस का कहना है कि इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है, सरकार पता नहीं इनसे कैसे काम करा रही है, ये चुनाव में क्या करेंगे? अब ये इस विषय पे हमारा अब वो प्रक्रिया का पालन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है, वो अपने ढंग से उनका काम है, निष्पक्ष चुनाव कराना, वो उनके कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और उस हिसाब से वो परीक्षण करके कर रहे हैं। इसमें कई चीज़ों में कई लोग विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टरों में विशेषज्ञ होते हैं, तरह तरह की हर व्यक्ति में हर खूबियाँ हैं, कोई अच्छा ही है तो किसी बात की कमी, कोई इंग्लिश में टॉप रहता है, कोई गणित में रहता है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि हमारे साथ ही कोई निर्वाचन में कोई ज़्यादा जानकारी जो रखते हो तो वो काम में लेंगे, दूसरे काम में फील्ड में जो अच्छा काम करते हैं उनको फील्ड में लगाया जाएगा और वो काम कर रहे हैं फील्ड में, जिले संभाल रहे हैं, तहसील संभाल रहे हैं, हमारे गांव के पटवारी हल्का तक टीम लगी हुई है और वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। सर अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि प्रमोशन में आरक्षण जरूरी नहीं, राज्य सरकारों को फैसला लेने के लिए कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इसमें नियम कर सकते हैं। राज्य सरकार पहले हाईकोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट गई थी, अब ये एक बड़ा प्रमुख जो है डिसीजन आया है, मतलब सरकार के पक्ष में ही आया, सरकार वकील लगा के वहाँ केस लड़ रहे थे। ऐसे विषय गंभीर होते हैं जिसमें सब माननीय न्यायालय के निर्णय का भी पालन करना जरूरी है और जन भावनाओं का भी आदर करना जरूरी है, ऐसे विषयों में बड़ी गंभीरता से विचार सरकार मध्य प्रदेश सरकार को निरंतर जनता का आशीर्वाद समर्थन है, उनकी भावनाओं को भी ठेस न पहुंचे और बड़ी जवाबदारी राज्य सरकार की होती है जनहित में, वो जनता के हित में निर्णय भी निर्देश भी जारी करते हैं और इस पर भी बड़ी गंभीरता से सभी का सम्मान हो, सबकी भावनाओं का आदर हो।